नालागढ़ पीजी कॉलेज में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज की प्राचार्य डॉ सपना संजय पंडित ने शिरकत की, जबकि विशेष अतिथि के रूप में विनीत कुमार सदस्य सचिव उद्योग विभाग नालागढ़, हरभजन सिंह प्रधान ट्रक यूनियन नालागढ़, मनमोहन सिंह गोल्डी महासचिव ट्रक यूनियन रहे। दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का आगाज किया गया। मेरा नाम है डॉक्टर सपना संजय पंडित, मैं प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट कॉलेज नालागढ़ की। हमारे कॉलेज में एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो रहा है और बहुत सारे बच्चे आज हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और उसी तरह से उतनी ही तादाद में बच्चे आए हैं आज के समारोह में। और आज हमने करीब 450 बच्चों को प्राइजेस दिए हैं और हर क्षेत्र में, चाहे वो एकेडमिक्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो कल्चरल है, हर एक्टिविटी में हमारे बच्चे अव्वल रहे हैं और उन्होंने अपना जो दमखम है वो दिखाया है और सही मायने में उन्होंने अपने आप को साबित किया है इस पूरे साल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये हमारे कॉलेज में 6 साल बाद हो रहा है। इस बार 6 साल से कोई फंक्शन नहीं हुआ था तो बच्चों में उत्साह और ज़्यादा देखने को मिला है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आज जो बच्चों ने प्राइजेज़ लिए हैं उनको देखकर हमारे बाकी बच्चे जो रह गए हैं किसी वजह से वो और मोटिवेट होंगे और अगले साल जब हम इस तरह का कोई आयोजन करेंगे तो उसमें 450 की बजाय 1200 बच्चे हमारे प्राइजेज़ लेने आएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। जिस ग्राउंड में हमारा ये सारा फंक्शन हो रहा है वो एक्चुअली हमारा बास्केटबॉल ग्राउंड है। ट्रक यूनियन के जो प्रेसिडेंट आए थे हमारे विशेष अतिथि बनके, उन्होंने ये हमारे को आश्वासन दिया है कि जो फुटबॉल सॉरी जो बास्केटबॉल वाला जो कैंपस है उसको उसमें स्टैंड्स बनाएंगे, वो स्टेयर्स बनाएंगे जिसमें आप उन स्टैंड्स पे बैठ के आप जो भी खेल होंगे उनके आनंद ले पाएंगे। और बाकी हमारी OSA तो हमसे जुड़ी हुई है शुरू से लेकर, काफ़ी अच्छा काम वो कर रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं। जब भी हमें कोई मुश्किल होती है, कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो वो हमेशा हमारे साथ बराबर खड़े रहते हैं। मेरी तरफ से यही संदेश है कि वो पूरी लगन से, पूरी मेहनत से आगे बढ़ें। हम यहाँ पे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। बच्चा जो भी आगे बढ़ने वाला होगा हम उसको अपना पूरा पूरा सहयोग, पूरा सपोर्ट देंगे। नालागढ़ से अनवर हुसैन की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग TV।